सर मैं पहुंचा हूं लेट और प्लान था कि मैं सुबह जो है ना जल्दी यहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हो गया। और यहां की जो हाइक मैं करने जा रहा था वो है तकरीबन 4.5 घंटे की, तो मैं जो बहुत लेट वहां पे पहुंचूंगा, इसलिए अभी मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूं। जो एक दो स्टॉप्स हैं ना वो मैं ले रहा हूं इससे ट्रेन से, क्योंकि आफ्टरनून ट्रेन जो है ना उसकी कीमत भी सस्ती है, तो इस वजह से ले रहे हो। वैसे जो है ये तकरीबन ऊपर और नीचे आना जाना ये ना 100 यूरो के करीब है, तो मैं क्योंकि दरमियान वाले स्टॉप तक जा रहा हूँ तो वो मुझे तकरीबन 22 यूरो की पड़ी है और तेल पे। तो पहला हफ्ते तो मैंने ले ली थी ट्रेन, बड़ी आसानी से ऊपर आ गए। तकरीबन 1100 मीटर मैंने जो है ना कवर किया है ट्रेन पे 15 मिनट के अंदर, वैसे मुझे लगने थे तकरीबन 4 घंटे। अभी आज का प्लान ये है कि यहाँ पे रिफल सी है, ये मेरे आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे नाइट स्टे करूँगा, कैंपिंग करूँगा। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये मैटरहॉर्न है, अभी बादलों में छुपी हुई है और इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है लेक के अंदर, तो बहुत खूबसूरत लगता है। स्पेशली सनराइज जो है ना यहाँ का वो बहुत एक अट्रैक्टिव है, मीन्स के बड़ी दूर दूर से लोग जो है ना मेरे जैसे पागल जो है ना वो इसके लिए इस तरह के काम करते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि नाइट यहाँ पे स्टे करूँगा और सुबह जो है ना सनराइज वगैरह देखूँगा। होपफुली जो है ना ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ और मुझे हमेशा जो है ना ये बादलों में कवर्ड ही मिली है। तो अभी जो है ऊपर गौरने की रात है, जो हाईएस्ट यहाँ का वो ट्रेन का भी स्टॉप है, तो अभी वहाँ पे जाता हूँ तो और थोड़ी देर बाद जो है ना फिर नीचे आऊँगा। So I finally made it. It was hard, 3,089 meters, and I climbed kitne 600 meter. Oh my god, it was really really difficult. Aakhri kuch jo last wale meters the usme to meri pass ho gayi thi. Khair finally I'm here, that's important. Aur ye jo aap samne dekh rahe hain ye yahan ka jo garnik raat hai, restaurant bhi hai, hotel bhi hai for rich peoples, aur hamare liye jo hai niche camping hai free wali. For poor peoples. We walk this road because we know it makes us new. आपने देखी होगी टॉब्लरॉन पे जो एक माउंटेन बनी है, टॉब्लरॉन की शेप जो है वो ये सामने जो माउंटेन है मैटरहॉर्न उसकी वजह से है। तो आप जब भी टॉब्लरॉन खाएं तो मैटरहॉर्न आपको याद आएगी। ऑलमोस्ट एवरी वन इज गॉन और लास्ट ट्रेन जो है वो भी जाने वाली है। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था सनसेट का और उस दौरान मैंने अपना खाना शाना बना लिया। मैंने कहा कि बस टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, अभी नीचे चलते हैं रिफल सी की तरफ, वहाँ जाके कैंपिंग करते हैं। तकरीबन मुझे लगेंगे यहाँ से 35-40 मिनट लगेंगे। No matter when, no matter why, I have a place to go. इट जस्ट फील्स वियर्ड कि सुबह के टाइम यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे और अभी मैं अकेला इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड और इतनी खामोशी है। यहाँ से कोई पता नहीं कितने किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, लेकिन मुझे एक वियर्ड फीलिंग आ रही है। इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड नाइट, लेट्स होप फॉर अ परफेक्ट सनराइज एंड नॉट सो कोल्ड नाइट। सनराइज टाइम, बाहर कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं। आई थिंक वो जो होटल में ऊपर थे ना चाइनीज वगैरह वो लोग आए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ है। और अभी बाहर निकल के देखते हैं कि मौसम किस तरह के और किस तरह की सिचुएशन है।
जगह जो पीक्स जो है वो ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रात को टेंट लगाया था और रात को बड़ी सर्दी थी, जितना कुछ था मेरे पास मैंने सब कुछ ही पहन लिया था। मैंने कहा इससे पहले कि जो है ना तकरीबन 11 बजे जो है ना सर्दी लगना शुरू हुई, तो मैंने सारे अपने कपड़े जितने भी थे वो निकाल के पहने और फिर मेरी आँख खुली 5 बजे। हल्की हल्की सी सर्दी लगी लेकिन गुजारा हो गया। एक मेरा आप देखे कि टेंट जो है ना वो थोड़ा सा ना टिल्ट हुआ हुआ है, तो साइड चेंज करता था ना तो घिसर के नीचे आ जाता था, लेकिन क्योंकि थका हुआ इतना था इसलिए काफी ज्यादा सो गया था। बाय बाय मैटरहॉर्न, चेक आउट द रिफ्लेक्शन यार, बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 90% के करीब चाइनीज टूरिस्ट हैं। समझ से बाहर हैं कि इतने इन लोगों के पास किधर से आते हैं यार, भरा पड़ा है ये एरिया तो इनसे। इंडियन है? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जी। कैन यू प्लीज टेक वन स्नैप? यस श्योर। कवरिंग? यस श्योर। एक हैंड हो गया यार, ट्रेन स्टेशन के पास छोटा सा वॉशरूम है और मैं वहाँ पे गया, अपना सामान मैंने बाहर रख दिया और उसके ऊपर मैंने ग्लासेस रख दिए। वापस आए तो ग्लासेस गायब, किसी साले ने हाथ दिखा दिए और वो भी मुझे। अब मेरी नज़र जो है ना हर बंदे के मुंह की तरफ जा रही है देखने के लिए कि क्या मेरे ग्लासेस नहीं पहने किसी ने। यार हद होती है, बहुत तेज़ी से हाथ दिखाए मैंने, तकरीबन 2-3 मिनट के लगाए होंगे। कोई नहीं, चलो अभी आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है नीचे जाना, लेकिन व्यूज काफी। सो फाइनली मेड इट टू सरमत, मुझे तकरीबन 2.5-3 घंटे लग गए थे यहाँ पहुँचते, अभी यहाँ पे इनके ट्रेन स्टेशन में पहुँचा और जिस बंदी या बंदे ने मेरी ऐनक उठाई थी वो मुझे अभी तक नहीं मिला, मेरी नज़र उन्हीं की तरफ है। खैर नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं, क्या करें, मेरी उठाई है उसकी भी कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा। यहाँ के इनके ट्रेन स्टेशन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, छोटा सा है लेकिन मेन इनके सेंटर के अंदर ही है। तो अभी मुझे यहाँ पे दोबारा ट्रेन लेनी है क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है ताश में, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दोबारा से ट्रेन लेनी होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इससे पहले कि मैं अपना जो व्लॉग ख़त्म करूं मैं आप लोगों से एक दो बातें करना चाह रहा था। काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे मेरे मोटरसाइकिल टूर के बारे में। मैंने अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल नहीं किया, सिर्फ उसको डिले किया है। प्लान ये है कि मिड अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल तक मैं वेट करूँगा और देखूँगा कि सिचुएशन क्या है और उसके बाद डिसाइड करूँगा। और मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो काइंडली फॉलो कीजिएगा, और वहाँ जो भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा और अक्सर मैं लाइव भी आता हूँ तो आप लोगों के से वहाँ बात हो सकती है। और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि आजकल आप मेरे व्लॉग देख रहे होंगे ये थोड़े से डिफरेंट हैं मेरे पिछले व्लॉग से, क्योंकि वो मोटरसाइकिल वाले व्लॉग थे तो अचानक से दोबारा हाइकिंग और कैंपिंग वाले, ये मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए थे सितंबर में और उनको मैंने एडिट नहीं किया था। तो आजकल घर में होता हूँ तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि एडिट कर दूँ। और आप लोगों को से मुझे थोड़ा सा और फीडबैक चाहिए था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे इसराइल पैलेस्टाइन वाले जो ब्लॉग्स हैं उनको देखा और अप्रिशिएट किया। तो मैं आजकल एनालिटिक्स वगैरह देख रहा हूँ कि लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करूँ, ताकि जो ऑडियंस है अगर मेरे अभी 37-38 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर अगर उनमें से सिर्फ 4-5 हज़ार देख रहे हैं तो मुझे इस चीज़ पर काम करना है।
सो जब भी आप मेरा कोई न्यू व्लॉग या न्यू वीडियो देखें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यूअर्स अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वो देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कंटेंट जो है उसको इम्प्रूव करूँ व्यूअर्स के लिहाज से, आप लोगों की मदद से। सो काइंडली आप जब भी देखें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं सबको रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन मैं उनके आइडियाज़ को आगे जो है अपना कंटेंट जो भी बनाऊंगा उनके आइडियाज़ लेके उसको इम्प्रूव करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच और कीप वॉचिंग। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।